रीवा जिले के गुड़ विधानसभा अंतर्गत बदवार ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पखवाड़ा का आयोजन सरदार सेना द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल रहे। जातिगत जनगणना एवं सामाजिक न्याय विषय पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता के रूप में पिरोकर अखंड भारत और आजादी दी, जिससे आज हमारा देश प्रगति की राह पर है। देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कर गरीब किसान मजदूर को समान न्याय देने के लिए प्रतिबंधित किया है। आज देश पर राज कर रही सरकारी नहीं चाहती कि गरीब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। किसान को अपनी पैदावार बेचने का संकट आ गया है। किसानों को अपनी फसल बोने के लिए अच्छे बीज व खाद के लिए लाइन में लगकर सरकार के पुलिस के डंडे सहने पड़ रहे हैं। कमलेश्वर पटेल ने याद दिलाते हुए कहा कि देश में किसानों के लिए पहला आंदोलन सरदारनी खड़ा किया था, जिसमें विलायती हुकूमत को अपने कानून वापस लेने पड़े थे। आज की सरकार देश की नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पर जबरदस्ती काले कानून थोपने पर लगी हुई है। आइए सुनते हैं आगे कमलेश्वर पटेल ने क्या कहा है। आदरणीय प्रोफेसर राजमणि पटेल की, आदरणीय उपस्थित सभी सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्गगण, उपस्थित सभी सम्मानित माता बहन, उपस्थित सभी सम्मानित युवा साथीगण, आज के सरदार पटेल जयंती समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जो हमारे यहाँ पर अतिथि एक एक से लोग पधारे हैं, रीवा संभाग के भी है, बनारस की तरफ से भी आए हैं, कई जगह के लोग, दिल्ली से भी आई है मैडम डॉक्टर, और सबके यहाँ पर जिस तरह से उद्बोधन और विचार सामाजिक चिंतन को लेके सुना, और अभी बहुत देर तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी इस कार्यक्रम में हमारे प्रमुख वक्ता वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम पहले से तय था और हमने आयोजकों से पहले निवेदन किया था कि हम आएंगे और एक घंटा रुकेंगे, चले जाएंगे, पर आयोजक और आयोजन यहाँ पर जो सबका उद्बोधन हुआ, सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए। और तो जो सामाजिक पीड़ा है उसके बारे में जिस तरह से आप सबने अपनी बात रखी है, जो सबकी चिंता है, इस चिंता को लेके हमें दो लोगों की जय जयकार हमेशा करते रहना पड़ेगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। एक जय संविधान और दूसरा जय सरदार पटेल। सरदार पटेल की हमेशा जय हो और संविधान की हमेशा जय हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हमेशा जय हो। और ये संविधान जब बना और संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ और भी लोग सदस्य थे, और जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमें नहीं भूलना चाहिए। कोई कितना भी बिड़ाए, तरह तरह की आजकल राजनीतिक दल के लोग बात करते हैं और आकलन कम करते हैं, पर ये देश हमें किस तरह से मिला है, कितने संघर्षों के बाद मिला है, और जो आज आग लगाने की कोशिश करते हैं, जहर बोने का काम कर रहे हैं, धर्म और जात के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, आज़ादी के समय अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर चलते थे। ये पढ़ने की ज़रूरत है, हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। ये देश कैसे मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल में थे, इंदिरा जी ने बानर सेना बनाई थी, सरदार पटेल जी और पूज्य महात्मा गांधी जी, ये सब पूरक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, वो भी चिंता जाहिर किया। हमारी बहन अभी बैठी है कुशवाहा में, इन्होंने चिंता जाहिर किया। और ऐसे ही सामाजिक चेतना लाने के लिए हमें शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो सरकार की अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे सारे दल के लोग बैठे हैं, पर मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, अगर गलत काम करे, अगर हम सरदार पटेल जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं, तो सच बोलना सीखिए। सरदार पटेल जी ने देश की लड़ाई लड़ी और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि कई उनके उदाहरण हैं कि उनकी श्रीमती जी बीमार थी, मृत्यु हो गई थी, पर उन्होंने, वकील भी थे, महंगे वकील थे, बड़े वकील थे, न्याय दिलाने के लिए उन्होंने वकालत करते रहे।
वो उनको किसी ने जानकारी दी, पर्ची में लिख के दिया, पर्ची जेब में रख ली। दूसरा कोई होता तो इतने स्वार्थ में आ जाता, वो अपनी विपत्ति में परेशान हो जाता, पर उसने अपने पक्षकार, उन्हें अपने पक्षकार को न्याय दिलाने का पहले काम किया, उसके बाद फिर घर गए। ऐसे कई बार महामारी में वहाँ पे जहाँ के रहने वाले हम गए, उनके यहाँ दांडी यात्रा में उनके घर भी गए, हमने देखा कितने सादगी भरे जीवन व्यतीत किए थे। और इंग्लैंड में अगर उस तरफ उस समय पढ़ाई किए थे, बैरिस्टर बने थे, कितने गरीब भी नहीं थे, किसान परिवार के जरूर थे, पर सक्षम थे, सामाजिक चेतना थी। पर हमेशा उन्होंने पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। हम सबको भी यही प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम लोग भी समाज के लिए कुछ करें और लोगों को देने का काम करें, मदद करने का काम करें। किसी के ऊपर धन लुटाने की बात नहीं है, पर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारें अगर गलत कर रही है, किसानों को समय पे खाद बीज नहीं मिल रहा है, महंगाई का अगर संकट है, भ्रष्टाचार है, तो कौन बोले? क्या क्या वादा करके सरकारें हैं कि प्रदेश में ये हमारी बहन लोग बैठी हैं, काकी लोग बैठी हैं, भौजी लोग बैठी हैं, प्रकट होते हैं मामा जी बच्चों के और सबको भांजा भांजी बना लेते हैं, और बदले में क्या दे रहे हैं? ये सोचिए, समझने की आवश्यकता है। आज बदले में क्या मिल रहा है? आपके पति को दारू पिला रहे हैं, भदोही साहब को सजा दे रहे हैं। कैसी कैसी बहन इस तरह से होता है? झूठा रिश्ता क्या? उमा भारती आंदोलन करने के लिए कई बार चेतावनी दी, हमको उन्होंने कहा कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, हम तो संन्यास ले लेंगे। अरे उमा जी, हमारा आपसे निवेदन है कि आप संन्यास मत लीजिए, कई साल राजनीतिक जीवन बिताई है, खुल के लड़िए और सच बोलिए और जनता को न्याय दिलाने का काम करिए। आप अगर सत्ता की भूखी नहीं है तो संन्यास तो आपने बहुत पहले बचपन में ले लिया था, पर आपने लड़ाई लड़ी है इस प्रदेश के लिए। अभी आप